थर्ड अक्टूबर लास्ट 24 आवर्स में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश, मोहरमल डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल भी एक जगह में हुआ है। हाईएस्ट रेनफॉल था जमसेला घाट 68.6 मिलीमीटर मोहरमल डिस्ट्रिक्ट में, उसका बाद गंजाम डिस्ट्रिक्ट का भंजनगर 56.0 मिलीमीटर। अभी कल जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बे ऑफ बंगाल में था उसका प्रभाव में आज एक लो प्रेशर एरिया व लघुचाप वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एडजोइनिंग एरिया में नेबरहुड एरिया में फॉर्मेशन हुआ है। इसका मूवमेंट अगला दो दिन तक आंध्र प्रदेश कोस्ट का तरफ रहेगा। इसका प्रभाव में नेक्स्ट 24 आवर्स में वेस्ट सेंट्रल हमारा उड़ीसा में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। हैवी रेनफॉल एक दो जगह करके हो सकता है। कोस्टल विशाखा एरिया एडजॉइनिंग इंटर विशा जैसा केन्झर मयूरभंज थेनकनाल कंधमाल रायगढ़ मलकानगिरी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, फिर कल भी हमारा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल मलकानगिरी कोरापुट गजपति गंजाम और हैवी रेनफॉल नवरंगपुर रायगढ़ कालाहांडी कंधमाल नयगढ़ खुर्दा पुरी जगत सिंहपुर केन्द्रपाड़ा बालासोर भद्रक डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके हो सकता है। फिर 5 अक्टूबर में भी हमारा साउथ इंटर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। हैवी रेनफॉल हो सकता है मलकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गजपति नवरंगपुर नवापड़ा मयूरभंज बालासोर कालाहांडी बलांगीर सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। 6 अक्टूबर में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। एक दो जगह करके हैवी रेनफॉल हो सकता है नवरंगपुर नवापड़ा बलांगीर बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। 7 में हमारा रेनफॉल एक्टिविटी और रिड्यूस होने का चांसेस है। इसमें केवल कुछ कुछ स्थानों पर ही हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में अगला 2-3 दिन में जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा। एक दो स्पेल्स करके हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है।